हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। ओम। सूर्य नमस्कार करने के लिए कितने बच्चों को आता है? हाथ खड़ा करेंगे जरा सा। हाँ, अभी जो जिन लोगों को कमर दर्द कर रहा था तो कमर दर्द नहीं करेगा। कमर क्या होगा? लचीला होगा। आप ज्यादा से ज्यादा अभी आप देखे होंगे कि अपने सिर को लगाने के लिए घुटने बोले होंगे। कितने आदमी ने अपने सिर को घुटने में लगाया था? हाथ खड़ा कर रहे जरा। आप देख लो, खुद महसूस करो। जो लोग अपने सिर को घुटने में नहीं लगा सके उन लोगों का जो ये कमर है क्या है? कड़ा है। इसको लचीला बनाने की आवश्यकता है। जब अभी नहीं आप बना पाओगे इस उम्र में तो बुढ़ापे में नहीं होने वाला। ये हार्ड रह जाएगा और इसमें बहुत सारी तकलीफें और बीमारियां शुरू हो जाएगी आप लोगों को। तो इसको थोड़ा सा कोशिश कीजिए, आप लोग ऐसा करेंगे ठीक है। तो सूर्य नमस्कार करने के लिए बहुत कम लोग जान रहे हैं। सूर्य नमस्कार करके मैं एक बार या दो बार दिखाऊंगा और इसके बाद आप लोगों ने करना है। एक बार प्रयास जरूर करना है ठीक है। तो सबसे पहले निशा जी थोड़ा सा करके दिखाइएगा। सूर्य दोनों हाथों को क्या करेंगे? हृदय चक्र यहाँ अनाहत चक्र के पास दोनों हाथों को आपस में इस प्रकार से मिला करके रखेंगे। सब श्वासों की गति जो है आप समान में रखेंगे। बिल्कुल जैसे श्वास आप लेते हैं वैसे लेंगे। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये सूर्य नमस्कार सूर्योदय के समय में धूप के अंदर अगर किया जाता है तो इससे बड़ा कोई भी नहीं होता है जितना फायदेमंद ये सूर्य नमस्कार होता है। तो इसे ध्यान से जरूर आप देखिएगा एक बार और सही ढंग से करने की कोशिश कीजिएगा। तो दोनों हाथों को हमने क्या किया? अपने अनाहत चक्र के पास दोनों हाथों को मिलाते हुए प्रणाम की मुद्रा में खड़े हो गए। फिर दोबारा क्या, दूसरा क्या करेंगे? लंबा गहरा श्वास लेंगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे और दोनों हाथों को घुमाते हुए इस प्रकार से पीछे की तरफ जाएंगे। आप जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाइए। जैसे वन, एक बार मेरा देख लीजिए, इसके बाद आप लोग कीजिएगा ठीक है। तो हमने आप लोग को दिखा रहा हूं, पहला क्या किया? वन, श्वास को लेते हुए क्या गया? पीछे गया। श्वासों को छोड़ते हुए मैं आगे की तरफ गया, दोनों हाथों की हथेली दोनों पैर के बगल में रख दिया इस तरह जमीन में और अपने सिर को घुटने में लगा दिया। फिर बाई पैर को, लेफ्ट साइड के पैर को क्या किया? हम पीछे की तरफ लेकर के गए। तो दोनों हाथों के बीच में दाहिने वाला जो पैर है वो आपका रह गया इस प्रकार से और बाया पैर कहाँ चला गया? पीछे चला गया। लंबा गहरा श्वास लेते हुए बिल्कुल सिर को क्या किया? ऊपर की तरफ किया। श्वासों को छोड़ते हुए क्या किए? दूसरा पैर को भी हम पीछे लेकर के गए और अपने सिर को, नजर को क्या करेंगे? नाभि को देखने का प्रयास करेंगे। पर्वत के जैसा, पहाड़ के जैसा अपने शरीर को बनाएंगे। श्वासों को सामान्य करते हुए सबसे पहले दो घुटने आपस में नीचे लगाएंगे। दो पैर लगे हुए हैं, दो घुटने लग गए। अब सीने को, छाती को मैं जमीन पे लगाऊंगा और हाथ दोनों जमीन पे लगे हुए हैं और ठुड्डी को, ये जो दाढ़ी है आपकी, इसको जमीन में लगा देंगे। यानी कि आपके शरीर के आठ अंग जमीन में लग गए। तो इसको साष्टांग बोला जाता है, अष्टांग। तो ये अष्टांग को लगाते हुए फिर लंबा गहरा श्वास लेते हुए भुजंगासन की स्थिति में आए। फिर श्वासों को छोड़ते हुए अपने नाभि को देखेंगे, बाएं पैर को, बाएं पैर पहले ले गए थे और फिर बाएं पैर को अपने दोनों हाथों के बीच लेकर के आए। यानी कि मेरा हाथ है और वहां पंजे को लेकर के आ गया। फिर श्वासों को छोड़ते हुए दूसरे पैर को भी सामने लेके आया और घुटने को फिर से लगाया। फिर लंबा गहरा श्वास लेते हुए अपने हाथों को पीछे लेकर के गया और फिर प्रणाम की मुद्रा में आ गया। इस तरह से 12 बार आप लोगों ने करना है ठीक है। तो आप लोग करके दिखाएंगे एक बार। हाथ खड़ा करें, कुंदन करेंगे सही ढंग से। चलिए मैं अब करूंगा नहीं, आप लोग का देखूंगा। निशा जी आप करके दिखाइएगा।
चलिए तो मेरे साथ आप सभी लोग करेंगे जी, 1 2 3 यात्रा करो पद यात्रा 11, 12, 11, 12, 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 12
हाथ खड़ा करेंगे सच्चे दिल से, मैं स्टेज पे बुला लूंगा, झूठा हाथ नहीं खड़ा करेंगे कोई, ठीक है। चलिए बाउंस का मात्रा देखे, जैसे ये स्टेज का नाम सुने हाथ डाउन कर दिए, क्यों अपने ऊपर में आप बल नहीं है, आप आ जाओ आगे, जो हाथ खड़ा किए थे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश, अरे आ जाओ, हौसला रखो, अपने आप को कमजोर मत समझो, आ जाओ चलो चलो, आ करके करके दिखाओ, आपके बीच के बच्चे करके दिखा सकते हैं, कौन करके दिखा सकता है, आ जाओ शाबाश, कम से कम इसने हिम्मत तो किया कि मैं आप लोग के सामने सूर्य नमस्कार करके अच्छा नमूना दूंगा। चलिए 1 2 वेरी गुड, 3 4 बाएं पैर को पीछे ले जाना है, उनको बोल रहे हैं 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत अच्छा, इनके लिए एक बार जोरदार ताली, कम से कम इन्होंने प्रयास तो किया, तो ये प्रयास करेंगे तो अवश्य ही सीख जाएंगे। हम लोग यहाँ बरी में योगा कंपटीशन भी करवाते हैं और एक दो बार हो चुकी चुका है, जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो योगा कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो ये बच्चे सामने आपके आए हैं तो आगे चल करके ये आपसे बेहतर कर सकेंगे आप भी। और लड़कियों में देखिए, सारे लड़के आए हैं, लड़कियों में कौन करके दिखाएंगे मुझे, हाथ खड़ा कीजिए जरा। अरे लड़कियां तो लड़कों से तेज होती है, कोई लड़की नहीं है, वेरी गुड, चलिए स्टेज पे चलिए आप लोग। जो मैं आप लोगों को करके बता रहा हूँ, कम से कम आत्मबल जिसका मजबूत होगा वही बच्चा सक्सेस करेगा, हर क्षेत्र में सक्सेस करेगा। आत्मबल को कमजोर मत होने दो, दिल पावर को बढ़ा करके रखेंगे, दिल पावर को कमजोर नहीं रखेंगे। तो दिल पावर जिसके अंदर मजबूत है वो हर परीक्षा में पास होगा, वो चाहे योगा हो या पढ़ाई हो या किसी भी क्षेत्र में। तो ये इनके लिए, अभी देखिएगा लड़कों से अच्छे करके दिखाएंगे सारी लड़कियां, सूर्य नमस्कार शुरू कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से इन लोगों का अनुरोध है कि फिर से एक बार करेंगे, टाइम से करेंगे, अच्छा देखिएगा थोड़ा सा आप, 1 2 हाथ ऊपर 3 नीचे पैर पीछे 4 5 6 7 8 9 10 11 12। धन्यवाद, बहुत अच्छा, कम से कम आप लोगों ने करने का कोशिश किया, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां, ठीक है। तो आप लोगों को भी कम से कम आए या ना आए हिम्मत जरूर रखना है, जोश जरूर रखना है कि मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। एक बार फिर मैं आप लोगों को सही ढंग से
सूर्य नमस्कार का बताने जा रहा हूँ। जब करने का मौका आएगा आप गलत करेंगे, इसलिए एक बार आप फिर से हमारी तरफ देख लीजिए। निशा जी आप कुछ इनको बताते रहेंगे और मैं इनको करके दिखा रहा हूँ सही ढंग से। सबसे पहले क्या करना था आपने, अपना हाथ सब उठे, लंबा गहरा श्वास लेते हुए हाथों को घुमाते हुए पीछे की तरफ, श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथों को दोनों पैर के पंजे के बगल में, ये तीन के ऊपर में चार के ऊपर में बाएं पैर को पीछे लेकर के गए और सिर को ऊपर उठा के रखा दोनों हाथ सामने में ही। पांच में दाहिने पैर को पीछे लेकर के गए और सिर को कहां ले गया, नाभि के पास, नाभि को देखेंगे। छह में क्या किया, दोनों घुटने को नीचे लेकर के गए, छाती को सटाया, घुटने को सटाया, लंबा गहरा सांस लेते हुए भुजंगासन में आया। फिर क्या किया, फिर नाभि को देखा, फिर बाएं पैर को ही, बाएं पैर को पीछे ले गए थे, फिर दोनों हाथों के बीच में बाएं पैर को लेकर के आया, दाहिने हाथ को सामने लाया, अपने सिर को घुटने से लगाया, लंबा गहरा श्वास लिया, पीछे की तरफ किया और फिर प्रणाम की मुद्रा। ये सूर्य नमस्कार, हम सूर्य नमस्कार के ऊपर में इतना ज्यादा जोर आप लोगों को इसलिए दे रहे हैं कि हर बच्चा करेंगे, इसमें 12 आसन होते हैं, कोई भी आसन नहीं करेंगे, बट कम से कम 5 मिनट आप सूर्य नमस्कार प्रतिदिन अगर करेंगे तो हर व्यायाम हो जाएगा आपका शरीर का। तो अभी खड़े ठीक है, एक बार फिर मैं आप लोगों को सही ढंग से सूर्य नमस्कार का बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना था आपने, हाथ चक्र में लंबा गहरा श्वास लेते हुए हाथों को घुमाते हुए पीछे की तरफ, श्वासों को छोड़ते हुए दोनों हाथों को दोनों पैर के पंजे के बगल में, ये तीन के ऊपर में चार के ऊपर में बाएं पैर को पीछे लेकर के गए और सिर को ऊपर उठाकर रखा दोनों हाथ सामने में ही। पांच में दाहिने पैर को पीछे लेकर के गए और सिर को कहां ले गया, नाभि के पास, नाभि को देखेंगे। छह में क्या किया, दोनों घुटने को नीचे लेकर के गए, छाती को सटाया, टूटी को सटाया, लंबा गहरा श्वास लेते हुए भुजंगासन में आया। फिर क्या किया, फिर नाभि को देखा, फिर बाएं पैर को ही, बाएं पैर को पीछे ले गए थे, फिर दोनों हाथों के बीच में बाएं पैर को लेकर के आया, दाहिने हाथ को सामने लाया, अपने सिर पर घुटने से लगाया, लंबा गहरा श्वास लिया, पीछे की तरफ किया और फिर प्रणाम की मुद्रा में। ये सूर्य नमस्कार।